बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला का नाम अक्सर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ जोड़ा जाता है, मगर एक्ट्रेस हमेशा से इस खबरों के बारे में मना करती नजर आ रही। वहीं उर्वशी रौटेला और ऋषभ के रिलेशनशिप को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनते रहते हैं। अब उर्वशी रौटेला ने रिलेशनशिप की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बताया है कि कैसे ये सब चीजें उनकी लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही। चलिए आपको बताते हैं आज इस वीडियो में कि ऋषभ और उर्वशी के रिलेशनशिप की अफवाहों को लेकर और ट्रोलर्स की सारी बातों को लेकर उर्वशी रौटेला ने खुद क्या खुलासे कर दिए। दरअसल मीडिया से खास बातचीत में उर्वशी ने ऋषभ पंत के साथ लिंकअप पर बात की। उन्होंने कहा कि अफवाहें और मीम्स का कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनली रखना पसंद करती, मेरा ध्यान अपने करियर और उस काम पर रहता है जिसके लिए मैं जुनूनी। ऐसे मामलों को ट्रांसपेरेंसी के साथ कंसंट्रेट करना और अटकलों के बजाय सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि मीम्स मटेरियल पेज इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं। वहीं आगे बात करें उर्वशी के इस बयान की, तो उन्होंने अपने इस बयान में आगे कहा कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में लगातार जांच और निराधार अफवाहों से निपटना काफी चैलेंजिंग होता है। वहीं मैं अपनी प्राइवेसी बनाए रखते हुए अटकलों को अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते हुए स्पष्टता और ईमानदारी से अफवाहों को संबोधित करना चुनती हूँ। अपने आप को सपोर्टिव लोगों के साथ रखती हूँ और पॉजिटिव लोगों के साथ रखती हूँ और अपने वैल्यू पर टिके रहना मुझे प्रेशर का मैनेज करना और ओपन गोल्स पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। बता दें कि उर्वशी अक्सर ऋषभ पंत के साथ लिंकअप को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। ये पहली बार नहीं है जब उर्वशी को ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा है। इससे पहले कई बार उर्वशी और ऋषभ के रिलेशनशिप को लेकर वो कई बार ट्रोल हो चुकी है। एक बार उन्होंने मेंशन भी कर दिया था कि कोई आरपी घंटों से उनका इंतजार कर रहा है, जिसे लोगों ने ऋषभ पंत समझ लिया था। उसके बाद उन्होंने प्यार और ब्रेकअप को लेकर एक क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर किया था जब ऋषभ ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो आरपी उनके को स्टार राम पोती नैनी है। वहीं 2022 में इन अफवाहों की शुरुआत हुई थी। उर्वशी रौटेला अक्सर क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ अपने कथित लिंकअप को लेकर सुर्खियों में रहती थी। साल 2022 में उर्वशी ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि कोई आरपी नाम का शख्स एक होटल में उनका कई घंटों तक इंतजार कर रहा था। इसके बाद आरपी को ऋषभ पंत के साथ जोड़ा गया। उन्होंने प्यार और दिल टूटने पर क्रिप्टिक पोस्ट भी साझा किया था, वो भी उसी समय ऑस्ट्रेलिया में थी जब पंत टीम इंडिया के लिए मैच खेल रहे थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके जीवन में आरपी उनके कोस्टार राम पोथी नैनी। वहीं उर्वशी रौटेला के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो फिल्म कसूर में नजर आएंगी। बता दें कि यह हॉरर ड्रामा फिल्म है। इसके अलावा उर्वशी जल्द ही नंदमुरी बालकृष्ण के साथ एनबीके 109 और अहमद खान द्वारा निर्देशित फिल्म बाप में नजर आएंगी। उर्वशी अक्षय कुमार स्टारर वेलकम टू द जंगल में भी नजर आने वाली। खैर, उर्वशी और ऋषभ के इस रिश्ते को लेकर और उर्वशी के इस बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के तमाम बॉलीवुड की हर खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड केसरी पर। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।